वहीं कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में नए नए शामिल हुए रोहन गुप्ता का बयान सामने आया है। राहुल और प्रियंका गांधी के सलाहकार उनको भटका रहे हैं, इसीलिए वो उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे, ये कहना है रोहन गुप्ता का, सुनिए। वायनाड के बाद अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो सीट अमेठी की नहीं बल्कि रायबरेली की हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है रोहन गुप्ता, जो कि सालों तक कांग्रेस में रहे और फिलहाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रोहन, राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे आधिकारिक रूप से मालूम नहीं है क्या है, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है अमेठी की जनता ने सालों तक उनको, कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को आशीर्वाद दिया। एक बार चुनाव हार गए तो ठीक है, क्या हुआ, जनता के बीच रहना चाहिए था, जनता का आशीर्वाद मांगना चाहिए था, और ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। लड़ना नहीं लड़ना, क्योंकि नैरेटिव सेट करता है। रायबरेली और अमेठी दो हमेशा कांग्रेस की पुश्तैनी सीटें मानी गई थी, पर जो मुझे लगता है आज के जो एडवाइज़र हैं, जब तक वो एडवाइज़र इस प्रकार की एडवाइस देंगे तो असमंजस का मामला चलता रहेगा। ABP News, आपको रखे आगे।